आज की वीडियो में हम टूर करेंगे होज खास कॉम्प्लेक्स का और हम रिव्यू करेंगे पार्क के अंदर आने वाले सारे टूरिस्ट स्पॉट्स का। पूरा पार्क घूमने में मुझे लगभग 2.5 घंटे लगे। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, टाइमिंग्स, टिकट्स, लोकेशन, सेफ्टी एंड एवरीथिंग। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट पार्क में पार्किंग कर सकते हैं, और मेट्रो से आ रहे हैं तो IIT स्टेशन के एग्जिट से राइट टर्न लेते ही पार्क शुरू हो जाता है। पार्क DDA के द्वारा मैनेज्ड है और लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। समर में पार्क की टाइमिंग सुबह 5 बजे से 9:30 बजे तक है और विंटर्स में 5:30 से 9 बजे तक। पार्क की सेफ्टी की बात की जाए तो काफी सेफ है, अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स और कपल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली भी फील आएगी और आपको काफी मोर भी देखने को मिलेंगे। ग्रीनरी काफी अच्छी है और आफ्टरनून में सबसे कम भीड़ रहती है और इवनिंग तक काफी क्राउड आ जाता है। पार्क के बीचों बीच एक नाला भी बहता है जिसका नाम है रोज गार्डन कच्चा नाला। यहाँ पेड़ काफी हैं और मधुमक्खी के छत्ते भी देखने को मिलेंगे। होज खास कॉम्प्लेक्स के लिए आप पार्क के बीच से भी आ सकते हैं और मेन रोड से भी। टाइमिंग्स की बात की जाए तो ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। अर्ली मॉर्निंग से 5:00 बजे तक टिकट काउंटर ओपन रहता है। टिकट परचेज करने के लिए फिलहाल कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है तो आपको यहाँ ₹25 कैश देके ही स्लिप लेनी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक मूवी की शूटिंग चल रही है। यहाँ पे कुछ छोटे टॉम्स हैं तुगलक पीरियड के, इन टॉम्स को पेविलियन भी बोलते हैं। ये जो आप पानी देख पा रहे हैं इसे होज खास टैंक या लेक भी बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 6 डोम्ड पेविलियंस हैं जो कि 1352 से 1354 के बीच में बनाए गए थे। पेविलियंस के अपोजिट साइड मदरसा की बिल्डिंग है। मदरसा 1352 में बनवाया गया था और इसको फिरोज शाही मदरसा भी बोलते हैं। ये मदरसा इंस्टीट्यूट होते थे इस्लामिक लर्निंग्स के, और आप यहाँ से लेक व्यू भी देख सकते हैं। मदरसा के अंदर आपको सरकारी स्कूल वाली फील आएगी। मदरसा सीधे फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होता है और 2nd फ्लोर तक है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स से एग्जिट करना है तो आपको मेन गेट से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो छलांग लगानी पड़ेगी मदरसा के 1st फ्लोर से। अब बात करते हैं फिरोज शाह टॉम की। फिरोज शाह ने ये टॉम 1350 में बनवाया था और 1388 में उनकी मौत हो गई थी। इस टॉम के अंदर भी आप जा सकते हैं। टॉम का मेजरमेंट 13x13 मीटर्स है। सेंटर वाली कब्र खुद फिरोज शाह की है और दूसरी कब्रें उनके बेटे और उनके पोते की है।
अंदर एक ऑफिस भी है जो कि कॉम्प्लेक्स की थीम में ही बना हुआ है। चलिए अब हम एग्जिट करते हुए पार्क की तरफ चलते हैं। पार्क के लिए कोई टिकट नहीं है और पार्क के अंदर कई टूरिस्ट स्पॉट्स मिलेंगे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। विंटर्स के टाइम लेक में डक्स और माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी। शाम के टाइम यहाँ भीड़ रहती है और लोग जॉगिंग के लिए आते हैं। ये वाटर टैंक बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको मॉडिफाई कराया था। फिलहाल पार्क और लेक की मेंटेनेंस डीडीए के हाथ में है। पार्क में चलते वक्त थोड़ी सी एलिवेशन पे आप जो देख पा रहे हैं ये है मुंडा गुंबद। इसका कंस्ट्रक्शन खिलजी डायनेस्टी के द्वारा हुआ था। ये चारों तरफ से ओपन है और इस पे स्टेयर्स भी ऊपर जाने के लिए हैं। पार्क में कुछ पेड़ ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको बहुत सारी बैट्स यानी कि चमगादड़ मिलेंगी। ये चमगादड़ काफी बड़े साइज की हैं और ये काफी शोर करती हैं। पार्क के अंदर एक रैबिट एनक्लोजर भी है, आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी कंडीशन में है, स्पेस भी अच्छा है रैबिट्स के लिए। और ये जो मॉन्यूमेंट आप देख पा रहे हैं इसका नाम है बाघ ई आलम का गुंबद। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये मस्जिद लोदी एरा के पीरियड का है और लगभग 600 साल पुराना है और ये आज के दिन एएसआई का एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। यहाँ पे आप कब्रें देख पा रहे हैं, अंदर सफाई भी अच्छी है। नो टिकट्स रिक्वायर्ड, यहाँ जरूर आएं। मस्जिद की अपोजिट साइड में ये काफी सारी ग्रेव्स हैं और एक ओपन मॉन्यूमेंट भी है।
और ये है काली गुमती, शानदार कंडीशन में 14th सेंचुरी में लोदी डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। इसको ब्लैक टॉम भी कहते हैं। पार्क का एक और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट जो कि है डियर पार्क। स्पेस काफी है और यहाँ चीतल स्पीशीज के हिरण मिलेंगे। डियर पॉपुलेशन काफी है और मेल एंटलर्स भी ग्रुप में दिखाई देंगे। तो ये था होस्कास कॉम्प्लेक्स का पूरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।